शांति नमस्कार दर्शकों वर्तमान समय हम अपने चारों तरफ एक ऐसा वातावरण देख रहे हैं जहां प्यार का अभाव है और चारों तरफ नफरत का वातावरण फैला हुआ है एक देश दूसरे देश के से लड़ रहा है परिवार में परिवार के सदस्य आपस में लड़ रहे हैं नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक नफरत का वातावरण हमारे चारों तरफ फैल चुका है और कहीं ना कहीं प्यार का अभाव बढ़ता जा रहा है ये दुनिया जब परमात्मा ने बनाई थी तो ये स्वर्ग थी जहां सब सुख शांति से रहते थे जहां नफरत का नाम निशान नहीं था किंतु आज चारों तरफ इतनी नफरत फैल चुकी है कि ये दुनिया नरक बन चुकी है हमें इस दुनिया को फिर से स्वर्ग यानी जन्नत बनाना है इसलिए नफरत को इस दुनिया से जड़ से मिटाना है यही भाव लिए हुए ये कविता है आइए सुनते हैं नफरत के अंगारों से अपना दामन क्यों जलाया नफरत के अंगारों से अपना दामन क्यों जलाया अहंकार से मिट जाओगे ये समझ नहीं क्यों आया अहंकार से मिट जाओगे ये समझ नहीं क्यों आया लालच और स्वार्थवश तुमने सारे जग को बांटा लालच और स्वार्थवश तुमने सारे जग को बांटा अपमानों का जुबाते रहे तुम एक दूजे को काटा अपमानों का चुभाते रहे तुम एक दूजे को कांटा सारे संसार में फैलाया तुमने असुरक्षा का अंधेरा सारे संसार में फैलाया तुमने असुरक्षा का अंधेरा बारूदों के ढेर पर इंसानियत कैसे करेगी बसेरा बारूदों के ढेर पर इंसानियत कैसे करेगी बसेरा समझदार होकर भी क्यों हो इतने जिद पर अड़े समझदार होकर भी क्यों हो इतने जिद पर अड़े खुद को जरा देखो किस दलदल में हो गिरे पड़े खुद को जरा देखो किस दलदल में हो गिरे पड़े तुम्हारे कर्म देखकर दिन रात रोती है मानवता तुम्हारे कर्म देखकर दिन रात रोती है मानवता देव पुरुष में क्यों जागी है विध्वंसकारी दानवता देव पुरुष में क्यों जागी है विध्वंसकारी दानवता स्वहित को साधने का तुझ पर कैसा चढ़ा बुखार स्वहित को साधने का तुझ पर कैसा चढ़ा बुखार भोली सूरत पाकर भी तू लगता भेड़िया खूंखार भोली सूरत पाकर भी तू लगता भेड़िया खुंखार मन बुद्धि और संस्कारों ने हमारा कर्म हमारा जीवन तीन शक्तियों पर चलता है मन बुद्धि और संस्कार आज की क्या स्थिति है मन बुद्धि और संस्कारों ने तोड़ दिया अनुशासन मन बुद्धि और संस्कारों ने तोड़ दिया अनुशासन वन के हिंसक नियम वश बन गए तुम दुशासन वन के हिंसक नियम वश बन गए तुम दुशासन जंगल में आप देखते हैं बड़े प्राणी का भोजन छोटा प्राणी होता है इसी प्रकार दुनिया के अंदर जो मानव देवता कहलाता था आज वो इतना हिंसक बन चुका है सबको आतंकित करके कौन सा अमन लाओगे सबको आतंकित करके कौन सा अमन लाओगे चारों तरफ डर फैलाकर कौन सा स्वर्ग बनाओगे हम अपने चारों तरफ आतंकवाद का भी प्रभाव देख रहे हैं ये सवाल उन व्यक्तियों से हैं जो चारों तरफ आतंक फैलाते हैं कि क्या आतंक फैलाकर वो इस धरती पर स्वर्ग स्थापित करेंगे इन पंक्तियों को हम फिर से सुनते हैं सबको आतंकित करके कौन सा अमन लाओगे सबको आतंकित करके कौन सा अमन लाओगे चारों तरफ डर फैलाकर कौन सा स्वर्ग बनाओगे चारों तरफ डर फैलाकर कौन सा स्वर्ग बनाओगे विश्व शांति के लिए ये दुनिया केवल प्यार से चलती है विश्व शांति के लिए दीप जला लो एक प्यार का विश्व शांति के लिए दीप जला लो एक प्यार का प्यार से परिवर्तन कर दो नफरत भरे संसार का प्यार से परिवर्तन कर दो नफरत भरे संसार का और कविता के अंतिम पंक्तियां खुदा खुद तुझे खुशियां देगा तेरी झोली भरकर खुदा खुद तुझे खुशियां देगा तेरी झोली भरकर इस दुनिया को जन्नत बना नफरत से तू मरकर इस दुनिया को जन्नत बना नफरत से तू मरकर दोस्तों इस कविता के माध्यम से हमने ये कहने का प्रयास किया है कि हमें अपने मन से सबके प्रति नफरत को मिटाना है और सबके लिए सबके प्रति एक प्यार का दीप जलाना है और वही प्यार का दीप चारों ओर जब प्रकाशमान होगा तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी नफरत समाप्त होगी और ये दुनिया स्वर्ग जन्नत बन जाएगी इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति नमस्कार